फ्रेंड्स वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। फ्रेंड डीडीए की फास्ट कम फास्ट सर स्कीम के फेज फोर के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक एफिडेविट के बारे में और एक अंडरटेकिंग के बारे में समझा दिया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फ्रेंड्स डीडीए के पोर्टल पे जब आप लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले सेक्शन में जाएंगे तो सेकंड नंबर पे आपको एक एफिडेविट अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। फ्रेंड जैसे कि आप सेकंड नंबर पे देख सकते हैं, एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड फ्रॉम अलॉटी एंड हिज ऑब्लिक हर स्पाउस डिक्लेयरिंग देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर एज पर परफॉर्मा गिवन इन ब्रोशर। यानी कि बेसिकली इसमें हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप डिक्लेयर करना है कि पर्टिकुलर मेरी वाइफ है, पर्टिकुलर मेरा हस्बैंड है, जिसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा, हस्बैंड के लिए अलग से, वाइफ के लिए अलग से, और उस एफिडेविट को एक सिंगल फाइल बना के यहाँ पे अपलोड करना होगा। इस एफिडेविट की क्या लैंग्वेज रहेगी, इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, इसमें क्या क्या भरा जाएगा, इन सभी बातों की चर्चा आज की वीडियो में हम डिटेल में करेंगे। फ्रेंड जैसा कि आपने जाना कि ये हस्बैंड वाइफ डिक्लेरेशन एफिडेविट है, यानी कि हस्बैंड डिक्लेयर करेगा कि पर्टिकुलर ये मेरी वाइफ है और वाइफ ये डिक्लेयर करेंगे कि ये पर्टिकुलर मेरे हस्बैंड है। तो बेसिकली इस एफिडेविट में सिर्फ इतना ही है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें हस्बैंड को और वाइफ को दोनों को अलग अलग एफिडेविट बनवाना पड़ेगा 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करा के। ऐसा नहीं है कि एक ही एफिडेविट में आपको हस्बैंड वाइफ दोनों ही बना देंगे, ऐसा नहीं है। दोनों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और दोनों को एक सिंगल फाइल बना लेंगे पीडीएफ। जब आप अपलोड करेंगे तो आप एक सिंगल फाइल बनाएंगे और सिंगल फाइल को ही आप अपलोड करेंगे। एफिडेविट दो रहेंगे बट फाइल सिंगल रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको? अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन यह हो सकता है कि जी मैंने तो अपना फ्लैट जब बुक किया था उसमें तो मैंने को अलॉटी रखा ही नहीं था, को अलॉटी ऐड ही नहीं किया। भाई मैंने अपने नाम से किया, अपनी वाइफ को अलॉटी ऐड ही नहीं किया तो मुझे क्या ज़रूरत है? तो फ्रेंड्स आपने लगता मेरी बात को बहुत ध्यान से नहीं सुना, मैंने यहाँ पे हस्बैंड वाइफ बोला है, ना कि अलॉटी और को अलॉटी। यहाँ पे हस्बैंड को भी बनवाना है, वाइफ को भी बनवाना है, इसमें अलॉटी और को अलॉटी से कोई लेना देना नहीं है। यदि आपने घर हस्बैंड के नाम से बुक कर रखा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने अपने एफिडेविट बनवाएंगे, बेशक वो को अलॉटी है या नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने जो डीडीए का फ्लैट है वो वाइफ के नाम से बुक कर रखा है और उसमें को अलॉटी हस्बैंड नहीं है, तब भी हस्बैंड को ये एफिडेविट बनवाना होगा, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए मैंडेटरी है, यदि आप शादीशुदा हैं तो। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि यदि हम शादीशुदा नहीं हैं तो, भाई हमारी शादी नहीं हुई तो हम कहाँ से हस्बैंड वाइफ वाला ये एफिडेविट लेके आएंगे? फ्रेंड्स फिर भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अरे भाई जब शादी नहीं हुई तो क्या अपलोड करूँगा, अपलोड करने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं बची। तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, यदि आप अपलोड नहीं करेंगे तो ये फॉर्म आपका सबमिट ही नहीं होगा, सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे तो ये सबमिट ही नहीं होगा। तो यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप इस फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकालेंगे और नॉट एप्लीकेबल करके आप इसको अपलोड कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और इसमें आपका नाम एड्रेस वगैरह सब लिखा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे आप लिख रहे हैं कि सी इज़ माई लीगल वाइफ तो वहाँ पे NA कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल, और इसको दो पैरेलल लाइन खींच के इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, देन इसको आप सेकंड नंबर पॉइंट पे अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि एफिडेविट किसको बनवाना है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं एफिडेविट की लैंग्वेज और एफिडेविट का फॉर्मेट, उसमें क्या आपको भरना है। हस्बैंड की तरफ से जो आप एफिडेविट बनवाएंगे उसका मैटर आप देख सकते हैं, आई रमेश कुमार सन ऑफ श्री राकेश कुमार, आप यहाँ पे अपना नाम और अपने फादर का नाम डालेंगे, रेजिडेंस ऑफ अपना कंप्लीट एड्रेस डालेंगे, आपको यहाँ पर सिर्फ ये 3 लाइनें लिखनी है, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट द नेम ऑफ माई लीगली वेडेड वाइफ इज सीमा, जो भी आपकी वाइफ का नाम हो आप वहाँ पर डाल देंगे, दैट द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू एंड करेक्ट, यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे, यानी हस्बैंड के साइन हो जाएंगे, थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आएंगे, यहाँ पे सिंपली आपको एक वेरिफिकेशन दे देना है कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही है, और यहाँ पे एक और आपके साइन हो जाएंगे। तो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप यह एफिडेविट बना कर देंगे और सेम एफिडेविट वाइफ की तरफ से भी लगेगा। वाइफ की तरफ से जो एफिडेविट लगेगा उसमें आई सीमा वाइफ ऑफ श्री रमेश कुमार रेजिडेंस ऑफ, यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे और वही सेम 3 लाइनें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे
वाइफ की तरफ से है तो यहाँ पे लीगली वेडेड हस्बैंड जो हो गए वो रमेश कुमार हो गए और नीचे यहाँ पे वाइफ के साइन हो जाएंगे। और यहाँ पे भी वाइफ के साइन हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों एफिडेविट का एमएस वर्ड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से सीधे आप उस फाइल को डाउनलोड करके उसमें नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको एडिट करना है, नाम हो गया, हस्बैंड नेम हो गया, वाइफ नेम हो गया, जो भी चेंज करना है, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है उसको आप चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।